मुंबई में एक मैच देखने गया बहुत सालों बाद। अच्छा मेरी मैच की हिस्ट्री ये है कि जिस वक्त मैंने मैच देखा है मोइन भाई, कभी पाकिस्तान नहीं जीता मोइन भाई। वाह, आपको याद है मोइन भाई आपकी कप्तानी, पाकिस्तान नेशनल स्टेडियम में कभी टेस्ट मैच नहीं हारा। अच्छा, मुझे पता होता अगर आप उस मैच में आए हुए थे मैं कप्तानी छोड़ देनी। कभी नहीं हारा, कभी हिस्ट्री में नहीं हारा। 50-50 से मैच हो रहे हैं कभी यहाँ पर नेशनल स्टेडियम में, मैं मैच देखने गया, फ्री का टिकट किसी ने दे दिया मुझे, इंग्लैंड वालों ने दिया था मुझे फ्री का टिकट। मैं वहाँ पहुँचा मगरिब तक मैच चलता है, मगरिब 10 मिनट बाद। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं गए मैचेस पे? मैं आपको तो स्ट्रेटेजिकली जाना चाहिए था हरवाने। यार ये मेरे बगैर इतना बुरा खेल रहे हैं मेरे साथ तो मतलब नहीं तो आप जाए ना इंडिया, इंडिया के इंडिया मैच जिम्बाब्वे नहीं समझ नहीं रहे किन मैचेस में जाना था भाई, मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह। अबे हां क्राउड भाई, आपने क्रिकेट खेली कभी? मैं बहुत अच्छी खेलता हूं, क्रिकेट खेलता हूं मोइन भाई। शोबे से 11 में आ रहे हैं ये मोइन भाई की सिफारिश में, मैं शोबे से 11 में भी आ रहे हैं। शोबे 11 वाले सारे सुन लें, सियासत होने वाली, मैं डायरेक्ट कैप्टन आऊंगा भी बता रहा हूं, फिर बाद में शिकायत कोई ना करे, मैं बता दूं मोइन भाई। अच्छा मैं ये कह रहा था कि मुंबई मगरिब तक वो मैच चलता रहा, बिल्कुल ठीक है, और ऐसा था कि इंग्लैंड के प्लेयर्स की अम्मियाँ भी फ़ोन कर रही थी बेटा मगरिब हो गई है घर आ जाओ। लेकिन वो स्टीव बकनर उन्होंने मैच कॉल ऑफ नहीं किया, क्या था मुंबई भाई, ये अलाउड था नहीं था? अलाउड तो नहीं था, वो नेचुरली सेफ्टी देखी जाती है, बट आई डोंट नो वो अंपायर की डिस्क्रिशन पावर्स होती है उनकी, और वो उसको कंटिन्यू करना चाहे तो कर सकते हैं। हमने बहुत एहतजाज करने की कोशिश की थी, लेकिन मजे की बात यह थी कि जो दूसरे अंपायर थे, जो पाकिस्तानी अंपायर थे, हाँ, उनको इंग्लिश नहीं आती, उन बेचारों को हमारे बड़े पुराने क्रिकेटर्स हैं रिस्पेक्टेड, बट अनफॉर्चुनेटली वो वाकिफ नहीं थे अंग्रेजी से, इसलिए वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से स्टीव बकनर एज अ सीनियर अंपायर वहाँ पे उस मैच को कंटिन्यू किया था, और एट द एंड हार गए थे। पहली दफा हुआ था कि अब नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान टीम हारी। हाँ मैं हारी भाई, मैं वहाँ पे बाथरूम भी नहीं थी नेशनल स्टेडियम, गंदे बाथरूम थे, तो मैं बार बार आगा खान अस्पताल जाता था पैदल चल के। यार एक बात बताओ यार, मैं जब तुम्हारे शो में आऊंगा बाथरूम क्यों आएगा? ये आपको सोचना है यार, मैंने क्यों सोचना है? कोई ना कोई ये आपको सोच, पेट की कैफियत और ये बाथरूम आता जरूर है, प्रेशर रहता है।